अस्सलामु अलैकुम। बावकार सदारत मेरे मोहतरम करम फरमा। कई बार आई हूँ इस मुशायरे में और जब भी आती हूँ बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपनों के बीच आना होता है उसकी खुशी ही अलग होती है। आप सबकी दुआओं से मैंने कैफ़ी आज़मी साहब के साथ अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन हमारी एक तहजीब हुआ करती थी कि जब हमारे बड़े लोग बैठे हुआ करते थे तो हम इनके जूतियों के पास जाकर बैठते थे। ये हमारा कल्चर था, हमारी तहजीब थी ये। और आज आलम ये है, ये जो बड़े लोग बैठे होते हैं हम उनके बराबर से बैठते भी हैं। और हद तो ये है कि कुछ शायरों ने इन्हीं के कलाम इन्हीं के सामने पढ़ने शुरू कर दिए। तो ऐसे लोगों को मैंने अपने शेर में शरीक किया है। बात कड़वी है मगर सच है, पेश करती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत समाते हैं और बहुत खूबसूरत निज़ामत, जिनकी निज़ामत में मैंने कई बार कवि सम्मेलन और मुशायरे पढ़े हैं। मुझे बड़ा फख्र होता है, ख़ास तौर से शफी पटेल साहब। आप इनके जलवे यहाँ तो देखते ही हैं मगर हिंदुस्तान में देखें तो वाकई जलवा ही जलवा है, माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है जब अपने होते हैं तो हौसला मिलता है। मेरा ये शेर बहुत वायरल हुआ है, सुनिएगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप सबके बीच ये जो उर्दू की शम्मा रोशन की गई है तमसीली मुशायरे के ज़रिए, अल्लाह से दुआ है हम सब इसी की रोशनी में सफ़र करें। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, हम सब उर्दू का जश्न मना रहे हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है कि आज की शाम उर्दू का जश्न किस तरह मनाया जाना चाहिए ये हम सब साबित करें। शब्बीर साहब की जो मेहनतें हैं, आइए इनकी मेहनत का हिस्सा बने और इनके मकसद को कामयाब करें, मुशायरे को मुशायरा बनाने की कोशिश करें। मैं भी करती हूँ। अब एक ताज़ा गज़ल के कुछ शेर पेश खिदमत है। मुझे हुक्म हुआ है, बहुत ही ताज़ा गज़ल है, धुन पर मत जाइए, शेर पर ध्यान दीजिए। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले, हयात में नूर बन के आ जा, गमों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले, वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी, ये मैं कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले, जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। बहुत शुक्रिया। एक शेर और पेश करना चाहती हूँ। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसी को जहन में रखिए और मेरा ये शेर मुलाहजा कीजिए। आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। वतन बचाने का वक्त है ये,
पहले मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूं।